जय हिंद साथियों। हर बच्चा के मन में सिर्फ एक ही बात को लेकर डाउट है कि सर नवोदय विद्यालय में सबसे कम अंक पर कितना अंक पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगातार कमेंट आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों का सपना है नवोदय विद्यालय के लिए। तो साथियों मेरा कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था, इसमें से 5-6 जन इस तरह से बच्चे हैं जिनका बहुत कम अंक पर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, उसका कारण क्या था वही वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी जो है आपको लग रहा होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा कम नंबर है फिर भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे चिंता में होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका चिंता पूरा तरीके से दूर हो जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप सभी के लिए। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, जो आप सभी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मेरे को अमरजीत भैया कहकर बुलाया कीजिए, सर कहकर नहीं बुलाया कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। तो कमेंट में जो भी कमेंट कीजिएगा आप लोग सर कहकर मत कीजिएगा, भैया कहकर कीजिएगा, ठीक ना। तो अब मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मेरा कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था, सबसे कम अंक था, और इन लोग में से किसका कितना कम अंक पर सिलेक्शन हुआ है, 2-3 बच्चों को मैं लाया हूँ बहुत कम अंक पर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारा हॉस्टल है पीछे बैकग्राउंड में, तो आपको पूरा डिटेल से दिखाता हूँ कि कितने सबसे कम अंक पर सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में, जो बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती इसके बारे में कि बहुत कम अंक पर सिलेक्शन होता है। उसका कुछ तरीका होता है, आपका एग्जाम देने के बाद रिजल्ट से पहले वो करना पड़ता है, जो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट टाइम जरूर बने रहिएगा और हताश नहीं होना है। बहुत लोग कोई इधर उधर से बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं अभी, देखिए उनसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अगर ऐसा भाई बहुत सारे चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि आज रिजल्ट ही जारी कर दे रहे हैं, 2 दिन पहले एग्जाम खत्म हुआ रिजल्ट आ गया क्या, तो बहुत लोग रिजल्ट जारी 2024 ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। भाई कभी कमार अगर अच्छा से अगर सठियाई नहीं हो अच्छे से हो तो कम से कम अच्छा चीज़ बताया करो। बच्चा लोग का इमोशन होता है, सबका खिलवाड़ नहीं होता है, 2 साल 3 साल 6 महीना बच्चा एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है तो जाकर एग्ज़ाम देता है और रिजल्ट का इंतजार करता है। सबका सपना होता है कि नवोदय विद्यालय में जाकर हम पढ़ाई करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हॉस्टल कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, चारों तरफ बल्ब ही बल्ब जला है और बहुत पर्सनल आपका फैन रहेगा, पर्सनल बेड रहेगा जिस प्रकार से। तो सभी बच्चों को मैं इधर बैठाया हूँ साथ में, और देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास थे लेकिन सबसे जो कम नंबर पर जिनका सिलेक्शन हुआ था और किस कैटेगरी से थे, OBC से कम नंबर पर सिलेक्शन कितना गया था, SC से कितना गया था, ST कैटेगरी से कितना गया था, वो बताने वाला हूँ। ये लोग जितना बच्चे आपको दिख रहे हैं बैकग्राउंड में वो सब क्लास 6 के हैं, सभी से परिचय कराऊंगा, बात कराऊंगा, इनके कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था वो बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। और रही बात साथ आप सभी का, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भैया इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, कोई कह रहा है 92 जाएगा, कोई कह रहा है 96 जाएगा, तो कोई कह रहा है कि मतलब 62 जाएगा, 72 जाएगा, 45 पर सिलेक्शन, मजाक हलवा है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हलवा है इस बात को लेकर कि सबसे कम अंक पर नवोदय विद्यालय में कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था वो बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस नवोदय विद्यालय के लेवल में आज नहीं तक आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, इसी चैनल करोगे मेरे को पता है, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी शायद ही कोई देता होगा पूरे यूट्यूब भर में नवोदय विद्यालय के बारे में, तो किसी ने नहीं देता है, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से हूँ और मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ क्लियरली रूप से बहुत सटीक बहुत सही जानकारी देने वाला हूँ, बच्चों के साथ में कितने कम अंक पर सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, इन सभी से बातें कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आप लोग हदात मत होइएगा, जिसका बच्चे का सबसे कम अंक है, बहुत सारे बच्चों का लग रहा है कि मेरा 73 नंबर आया है 100 के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80 क्वेश्चन था लेकिन एक क्वेश्चन के कितना नंबर था, 1.25। तो उसी प्रकार इन लोगों का कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ है नवोदय विद्यालय में वो पहले आपको क्लियर करा देता हूँ, और भी आप सभी को कोई भी जानकारी होगी तो आप लोग इस वीडियो में जरूर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे परेशान होते हैं ना कि मेरा कम अंक पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सबका सिलेक्शन होगा भाई, रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट बताऊँगा कब आएगा। तो अभी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो पहले शेयर करता हूँ। जानते हो एक और चीज़ बताना भूल गया था आप सभी से, देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारे आपको लगेगा कि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, भाई लॉन्ग है लेकिन इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप सभी के लिए, और आपको दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और साथ में इन्फॉर्मेशन वीडियो लाया हूँ आप सभी के लिए। देखिए इस बार का जो मैथ का पेपर था बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, इस बार का जो मैथ का पेपर में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर था, तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही बात का डाउट था कि सर मेरा बहुत, क्योंकि देखिए आप लोग से बन नहीं हम लोग से भी नहीं बन रहा था यार, सच्चाई यही है। क्लास 12th में मैं हूँ और बहुत सारे बच्चों का मैंने PDF प्रोवाइड किया था, बहुत सारे बच्चों का मैंने तैयारी भी कराया था और साथ में नवोदय में रहकर बावजूद भी, तो उसमें से मेरे को भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो 2-3 प्रश्न में मैं भी फंस गया था लेकिन फिर भी बन गया, लेकिन एक तरह से बच्चा से भाई बच्चा तो बच्चा ना लेवल का है, उससे सोल्यूशन नहीं हो रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो क्या प्रॉब्लम था, उसमें कितना इस बार का इजाफा देखने को मिलेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहेगी। इस बार का ना समझिए, जो मैं कट ऑफ वीडियो इससे प्रीवियस वीडियो में बनाया हूँ जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन इस बार उसके बावजूद भी बहुत कम आपका सिलेक्शन हुआ था। पहले परिचय कराता हूँ, बात कराता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो देख सकते हो साथियों, ये जो बच्चे दिख रहे हैं क्लास सिक्स के हैं, 2023 में जिन्होंने पास करके आया था नवोदय विद्यालय में। तो ये हमारा हॉस्टल है नवोदय विद्यालय का, देख सकते हो सीन। और इस प्रकार के आपके 24 बेड रहते हैं एक रूम में, इसी प्रकार के बहुत सारे बेड है बॉयज हॉस्टल का। आपका पर्सनल बेड रहेंगे, पर्सनल बॉक्स रहेंगे, ये थोड़ा सा बिगाड़ दिया है बच्चा ने। और चलिए पहले बात करते हैं इन सभी से और आप सभी को जानकारी देते हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए मैं एक दो बच्चे का जिसको सिलेक्ट किया हूँ कि भाई उनका कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था, बहुत कम अंक पर। तो आप पहले खड़ा हो जाइए, आप बैठ जाइए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श है। अच्छा, आपके अभी किस क्लास में है? सिक्स में। और आपका जो है कितने नवोदय विद्यालय में कितने अंक, जैसे ये बताइए मेरे को कि नवोदय विद्यालय के रिजल्ट से पहले आपको किस प्रकार एक्साइटमेंट था कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप टेंशन में थे कि नहीं, क्या कर रहे थे आप उस समय? बार बताइए। हम टेंशन में थे इसलिए कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, हम भी पढ़े वहाँ पर जाकर। तो उसी प्रकार साथियों, आप सभी का भी सपना होगा, हर एक बच्चे का सपना होता है, जैसे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में। तो इन सभी से जानते हैं, इससे पहले जानते हैं कि इनका कितना अंक पर सिलेक्शन हुआ था और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कहाँ घर है आपके, ये मेरे को जानकारी दीजिए। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और रूरल या अर्बन? मैं रूरल क्षेत्र। रूरल का मतलब होता है देहात क्षेत्र से। और बताइए आपका कितना अंक था? मेरा 100 में 80 अंक था। देखिए 100 में 80 अंक पर भी सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, लेकिन कट ऑफ था 86 का। ऐसा कारण होता है, इसको मैं बताता हूँ आप सभी का। 86-84 का कट ऑफ था, फिर भी इसके 80 बच्चे में 80 नंबर में कैसे सिलेक्शन हो गया, आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर भी कैसे सिलेक्शन हो वो पहले बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बच्चों की जानकारी लेता हूँ। और आइए आप आइए, जो भी आए थे। आपका नाम क्या है? आपका घर? अच्छा, आपका नवोदय विद्यालय में बताइए कि जब नवोदय एग्जाम देकर आए थे तो उसमें कैसा लग रहा था कि कॉपी के बारे में कि चेक हो ये सब चीज़, मेरा कितना अंक होगा, पास होगा कि नहीं होगा, कुछ एक्साइटमेंट बताइए उस समय का। तो नहीं रहा था कि पास हो जाएंगे, पापा बोल दिए थे कि नहीं पास होगा तो। देखिए ये जो बच्चा है ना, आप लोग देख लीजिए, इसका बताता हूँ, इसी का कारण है कि जिस वीडियो में मैं लाया हूँ। आपका कितने अंक थे? 80। 100 में आपका भी 80 थे, इसका भी 100 में 80 ही थे। कहाँ से? अर्बन रूरल। अर्बन कैटेगरी क्या था आपका? एससी कैटेगरी से 100 में 80 था और शहर क्षेत्र से थे, शहर में सीट नहीं होता है फिर भी। तो आपको हमें जानकारी दे दिया कि देखिए दो बच्चों का जो है कम अंक पर सिलेक्शन हुआ था। अब कारण बताता हूँ कैसे सिलेक्शन हुआ था दो बच्चों का, और बाकी सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इन लोग को ज़्यादा हाई फाई लिखा है। 81, 83, 85, 86 लाया है, 90 लाया है ऊपर, तब इन लोग का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन दो तीन बच्चे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बहुत कम अंक पर सिलेक्शन हुआ था, बताते हैं कैसे। देखिए साथियों, इस बार का नवोदय विद्यालय में एक चीज़ जानकारी आपको नहीं होगी जो बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना भाई, सबसे पहले दे रहा हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा भी सपना है कि मेरा जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, आप लोग बहुत खुश होंगे मैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय से तो आप सभी से जुड़ा हूं मैं, और इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका अपने अपन मैं भड़ा भैया हूं आप सभी के लिए, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं। देखिए अब कारण, मेन कारण बताता हूं जो किसी को नहीं पता होता है। देखिए फर्स्ट लिस्ट आता है नवोदय विद्यालय का 80 बच्चों का। कितने बच्चों का आता है? 80 बच्चों का नवोदय विद्यालय में फर्स्ट लिस्ट आता है। लेकिन सेकेंड लिस्ट आता है 15-16 बच्चों का, ये भी होता है। आपका जिला में 80 सीट बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली में सीट कितना होता है? 95 सीट होता है, 92 सीट होते हैं, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आता है, सेकेंड लिस्ट आता है, तो उन सभी। देखिए इसका बच्चे का जो है फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, और इसका हुआ था वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के एक दो महीने के बाद आता है। तो इसमें साथ देखा जाता है इसका जो है कट ऑफ के बहुत अंतर, और जो सबसे नीचे लोएस्ट है, जैसे इसका बच्चे का जो है 84-86 कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी के पिछले साल 2023 में, फिर इसका सिलेक्शन कैसे हो गया 80 में? क्योंकि वो सेकेंड लिस्ट में था, और सेकेंड लिस्ट में जो है इसका कम नंबर था, तो थोड़ा सेकेंड लिस्ट में इसका चला गया था। तो डरने की बात नहीं है, कट ऑफ से कम अगर नंबर है, थोड़ा सा एक दो नंबर कम है, तो आपका सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ को लेकर। तो आपको कमेंट में जरूर बताइए आपका कितने अंक बन रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दिया हूँ, और सभी बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हो इधर साइड में। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन में दे दिया कि बहुत जिसका सबसे कम अंक भी है उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरा ही से पूछने लगे थे कि सर आपका कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था, फिर से मैं सर ही बोल रहा हूँ, मतलब बहुत आप लोग सर बोलते तो मेरे को भी सर कहा था अपने आप पर भी, लेकिन सर का दर्जा मेरे को नहीं मिला, इसलिए सर कोई नहीं कहेगा, सब भैया कहेगा मेरे को, तो सभी लोग भैया कहिएगा। और पहली नंबर तो नीचे कमेंट में जो भी कमेंट करेंगे उसका ही मैं रिप्लाई करूंगा जो मेरे को भैया कहकर बोलेगा, इसलिए। और सेकंड चीज हो गया साथियों कि मेरा जो है, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, फिर से मैं बताता हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से था और ओबीसी था, तो उस समय मेरा ज़्यादा नंबर चाहिए था, क्योंकि हमारे समय में आज से 6 साल पहले मात्र 40 सीट होते थे नवोदय विद्यालय में, इस बार तो 80 हो गया, 82-92 हो गया, इस प्रकार से हो गया है। तो मेरा समय मात्र मेरा आया था 92 नंबर आया था, शहरी क्षेत्र से था, मात्र 2 बच्चों का सीट था जिसमें मेरा का एक बार हुआ था अर्बन क्षेत्र से, शहर क्षेत्र से, और वो भी अमरजीत कुमार का 92 नंबर आए थे।
100 नंबर के एग्जाम होते थे पहले, अभी तो 80 क्वेश्चन होते हैं, पहले 100 ही क्वेश्चन होते थे और 100 नंबर का होते थे एक एक क्वेश्चन। तो उस समय मेरा 92 आया था और 100 में उसमें मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। तो आपको जानकारी दे दिया हूँ मैं कैसे सिलेक्शन हुआ था, मेरा 92 पर मेरा हुआ था, लेकिन इन बच्चों को आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दिया, सामने लाइव प्रूफ दिखा दिया कितने कम अंक पर भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकते हैं। और सेकंड चीज़ आप सभी तो थोड़ी सी भूल गया होगा, मैं आप लोग रिजल्ट के अंदर इंतजार कर रहे हो, उससे पहले एक और चीज़ भुलाना चाहता हूँ कि जो बच्चे जैसे इस बार का जो बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, बहुत सारे PDF खरीदा और बहुत सारे जैसे प्रीवियस से 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारा जिला से ही, और उसी प्रकार ऑल इंडिया 650 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो मैं बताया हूँ। और इस बार के छोटे भाई आपके बड़े भाई कोचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो आपको मैं 1 जुलाई से प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो है जुड़े रहिएगा। मैं अपना कभी फ़ोन नंबर भी शेयर करूंगा उस वीडियो में, ताकि वहां पर आकर मेरे को कमेंट करें, मेल करें, ताकि मैं उनका पढ़ाई करा सकूं, नवोदय विद्यालय का पूरा कोर्स कंप्लीट करा सकूं। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि भाई कम से कम टीचर अच्छा रहेगा तो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट को भी पूरा खतरनाक तैयारी करा सकता है। तो मैं अपने आपको अच्छा से नहीं साबित कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, हर एक बच्चों का सपना होता है, ड्रीम होता है कि नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई करेंगे, तो आपका सपना पूरा करेंगे। और हम नहीं बल्कि हमारा जो 3 टीम है, जो टॉपर है, बहुत ज़्यादा टॉपर है क्लास का, 98-97% इस प्रकार का आता है उनका, तो उन सभी से पढ़वाएंगे, आप सभी को बहुत अच्छा जानकारी देंगे। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई 2023 से जो बच्चे नवोदय विद्यालय 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, तो ये चीज़ जानकारी आप सभी को पूरी डिटेल से दे दिया हूँ। और भी कोई चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यही वीडियो के एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।